खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन 4 के लिए बड़ी रियायतों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब प्रदेश की जनता की जिंदगी पटरी पे आ पाएगी। राज्य सरकार ने आज लॉकडाउन 4 के लिए अपनी विशेष गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार संक्रमण वाली जगहों के अलावा बाकी जगह कई बड़ी छूट दी गई है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थान पहले की तरह बंद रहेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक रहेगी, लेकिन रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ की दुकानें खुल सकेंगी। साथ में नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी नियमों के तहत खोल सकेंगे। इनके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। पान और गुटखे की बिक्री पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। रेड जोन में ऑटो बस बंद रहेगी, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ऑटो बस सेवा शुरू हो सकेगी। अब वाहन क्षमता के अनुसार उसमें सवारी बैठ सकती है, लेकिन शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन और विधायकों व सांसदों की राय के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन 4 के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी की है। अब माना यह जा रहा है कि काफ़ी रियायतें मिलने के बाद छोटे व्यापारी सुकून महसूस करेंगे और अब अपना व्यापार शुरू कर पाएंगे। ऐसे में अब लोगों की ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। राजस्थान में रोजगार के लिए आए बाहरी मजदूरों के पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मजदूरों को उनके घर परिवार की चिंता खींच रही है घर की ओर। तो वहीं वाराणसी के लिए अजमेर से रवाना हुई श्रमिक स्पेशल। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से रोजगार के लिए राजस्थान के अजमेर सहित अन्य जिलों में पिछले लंबे समय से काम कर रहे मजदूरों को लेकर अजमेर रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए श्रमिक एक्सप्रेस को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर किशोर कुमार, जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीना, रेलवे SS सुरेश श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 1368 बाहरी मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए यूं तो सरकार अनेक प्रयास कर रही है, लेकिन अपने घर परिवार की चिंता अब मजदूरों को घर वापसी के लिए विवश भी कर रही है। जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने घर लौट रहे इन मजदूरों को हाथ हिलाकर विदाई दी। इनके साथ खाना और पानी का भी इंतजाम किया गया। पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ रवाना हुई इस ट्रेन में यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया। जीवन के बाद अब रोजगार को भी पटरी पर लाना है जरूरी, जब ही आत्मनिर्भर हो पाएगा राष्ट्र और प्रदेश। अब मजदूरों के मन में विश्वास जगाना है रोजगार के प्रति पहली प्राथमिकता। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 के नियमों की घोषणा के बाद कल से जोधपुर में पटरी पर लौटेगा आम जन जीवन। पिछले दो दिनों से राज्य सरकार ने कुछ राहत दी थी और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से राज्य सरकार को पावर दिए गए थे, उसके बाद आज राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। लॉकडाउन 4 के तहत कई छूट दी गई है और बड़े तौर पर कहा जाए तो रेड जोन के अलावा जो पूरा जो क्षेत्र है उसे खोल दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जोधपुर में पिछले कई दिनों से जिस तरह से आम जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ा था, वो धीरे धीरे पटरी पर लौटेगा और खास तौर से व्यापार है वह भी पुनः शुरू होगा। इस बार राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी शुरू करने की जो है छूट दी गई है, जो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। साथ ही ऑटो चालक है उनको भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है, जिससे उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जल्द ही जोधपुर में आम जन जीवन वो पटरी पर लौटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर शहर का भीतरी इलाका है वह रेड जोन होने के कारण इस छूट का लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के नोखा थाना इलाके के अंतर्गत स्थित गांव अणखीसर में एक कुंड में 3 शव तैरते हुए मिले। ग्रामीणों ने देखा तो पाया कि ये शव एक विवाहिता और 2 बच्चों के थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत और
सीओ नेम सिंह गांव पहुंचे, शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। हालांकि इस बीच मृतका के पीहर पक्ष ने एक एफआईआर दी, जिसमें पति और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। थानाधिकारी अरविंद सिंह ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि जो एफआईआर दी गई उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर इस घटना में प्रथम दृष्टया जो लग रहा था कि एक दुर्घटना के चलते ऐसा हुआ है, बाद में पीहर पक्ष से आई एफआईआर ने इसे हत्या के एक मामले में बदल दिया है। हालांकि जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती और सामने नहीं आ जाता कि वाकई घटना क्या थी, तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। आज सामने आए 3 नए मामलों के साथ ही अब कोटा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 326 तक पहुंच गया है। नए मामले कोटा शहर के पाटन पोल, देवासी सिटी और साथ में वार्ड नंबर 45 से सामने आए हैं। तो इसके साथ ही कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे मरीजों के डिस्चार्ज का सिलसिला भी लगातार जारी है। आइसोलेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील के मुताबिक आज कोटा के आइसोलेशन सेंटर से 7 और मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। इसके साथ ही कोटा के मेडिकल कॉलेज के इस आइसोलेशन सेंटर से अभी तक कुल डिस्चार्ज हो चुके मरीजों की तादाद बढ़कर के 243 तक पहुंच गई है। तो वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ के बीच में हाईवे से मजबूर मजदूरों के जत्थों की भी कई कहानियां सामने आ रही है। आज बिहारी मजदूरों का एक ऐसा जत्था कोटा से होकर के गुजरा जो पिछले कई दिनों से गुजरात के अहमदाबाद में फंसा था, लेकिन घर वापसी का कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा था और परेशान मजदूरों ने एक दिन तय किया कि अपनी साइकिल से ही गुजरात से बिहार का सफर तय किया जाए। अहमदाबाद से मजदूरों का ये जत्था करीब 1500 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय करने के बाद आज कोटा से गुजरा और इस दौरान जब फर्स्ट इंडिया ने इन मजदूरों से बात की तो दिल का दर्द जुबान पर भी आया। और लॉकडाउन के इन्हीं हालातों के बीच में कोटा में धरती पुत्रों से लूट का एक सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। असल में कोटा में इन दिनों राजपेट के ठेकेदारों की मार्फत समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद हो रही है, लेकिन इस दौरान मंडी की तरफ से तय की गई प्रति कट्टे 5.25 रुपये की हमाली के मुकाबले ठेकेदार किसानों से प्रति कट्टा 8 से 10 रुपये तक की हमाली वसूल कर रहे हैं। कई दिनों से इस बात को लेकर आवाज उठा रहे किसान आस्था कारकर एसीबी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर की अगुवाई में एसीबी को परिवाद सौंप करके इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने और किसानों को इस लूट से बचाने की अपील की है। आखिर में खबर कोटा के कर्फ्यू अपडेट से। कोटा के कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने आज कोटा के एक नए इलाके देवासी सिटी बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। तो वहीं कर्फ्यूग्रस्त एक पुराने इलाके कुनारी थाना क्षेत्र के 1 किलोमीटर के एरिया को कर्फ्यू मुक्त करने की भी घोषणा जारी की है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। हाईवे पर ये मजदूर अभी पैदल चलते हुए नजर आ जाते हैं, तो वहीं लोडिंग वाहनों में भी लत कर ये मजदूर अपने गंतव्य की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी सैकड़ों मजदूर भारी परेशानियों का सामना करते हुए अपने गाँवों की ओर जा रहे हैं। भरतपुर में आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सारस चौराहे के समीप ऐसा ही एक नज़ारा दिखाई दिया, जहां भीलवाड़ा से इलाहाबाद के लिए एक परिवार पैदल ही चल पड़ा, लेकिन रास्ते में कई जगह ट्रक वालों ने मदद की तो कई स्थानों पर पुलिस भी दोस्त की भूमिका में दिखाई दी। मजदूर संदीप ने बताया कि वे भीलवाड़ा से मजदूरी का काम करता था और कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने गाँव जाना उचित समझा। मजदूर ने बताया कि कोई साधन नहीं मिलने पर वह अपनी मंजिल के लिए पैदल ही रवाना हो गया था, लेकिन रास्ते में कई ट्रक चालकों ने उसकी मदद भी की है। लॉकडाउन से परेशान इन मजदूरों की अब पुलिस भी मदद कर रही है और अब पुलिस एक दोस्त की भूमिका में नजर आ रही है, जहां पुलिस इन मजदूरों को लोडिंग वाहनों में बिठाकर गंतव्य के लिए भिजवा रही है, तो वहीं भोजन की व्यवस्था भी पुलिसकर्मी इन मजदूरों के लिए करते हुए नजर आ जाते हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिला कोरोना संक्रमण के पूरी तरह से गिरफ्त में फंसा हुआ है। लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। आज भी कुल 21 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके अलावा एक दुखद खबर यह भी रही कि 80 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की
इलाज के दौरान मौत हो गई। इस सब के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। हालांकि उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 401 के पार जा पहुंचा है, लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, पुलिस और प्रशासन की टीमें पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि कोरोना को हराया जाए। उदयपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच आज एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के चलते उदयपुर जिले में हुई यह पहली मौत है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो यह बुजुर्ग हृदय की गंभीर बीमारी से भी ग्रसित थे। वहीं आज जिले भर में कोरोना के 21 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिससे जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 401 हो गया। आज संक्रमित आए लोगों में से 4 मरीज कोरोना का एपिसेंटर बने कांजी का हाटा इलाके से थे। 21 मरीजों के संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कल देर रात भी एक बुजुर्ग महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। यह महिला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी और कुछ दिनों पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन इलाज के दौरान इस महिला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। हालांकि इस सबके अलावा उदयपुर से प्रवासी श्रमिकों के अपने गृह राज्यों तक जाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज उदयपुर से 2 विशेष ट्रेनें चलाई गई, जिनमें से एक ट्रेन करीब 1400 मजदूरों को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई, तो वहीं 935 से ज़्यादा श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन झारखंड के लिए गई। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने ज़िले और संभाग से बड़ी खबरों से हमारे दर्शकों को मुखातिब कराने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए